अगर आप जम्बू जू जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फेमस फूड प्लेसेस जो आप जम्बू जू या आईआईटी जगती के पास में ट्राई कर सकते हो। तो पहली लोकेशन है हमारी चाय सुट्टा बार। आज हम आपके लिए रिव्यू करने आए हैं चाय सुट्टा बार जो है आईआईटी जगती के पास में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आयशना और अंदर चलते हैं, एम्बियंस देखते हैं, मेन्यू देखते हैं, मेन्यू के हिसाब से प्राइस देखते हैं। तो आइए बात करें यहाँ के मेन्यू की। तो आयशना क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल? यहाँ के मेन्यू में आपको मिल जाएगी चाय, हॉट कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, कोल्ड कॉफी, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, एक्स्ट्रा जो भी है, बाइट्स, सैंडविचेस, मैगी, मिल्क शेक्स, मोहितो, मतलब काफी सारे ऑप्शंस और काफी बजट में प्राइजेस हैं। प्राइजेस दिखाते हैं आपको एक बार। ये देखो चाय के प्राइजेस यहाँ से 20 रुपए से चाय स्टार्ट है और इनकी कश्मीरी स्पेशल 30 और ये सारे प्राइजेस हैं। साथ में आपको थोड़ा सा बता दें यहाँ पे ये है सैंडविचेस हैं इनके 70 से स्टार्ट, बर्गर है यहाँ पे 60 से स्टार्ट, तो काफी बढ़िया है। बात करते हैं अब यहाँ की एम्बियंस की। तो एम्बियंस यहाँ की आपको दिखाते हैं, सीटिंग वगैरह डेकोरेशन काफी अच्छी की है, ऊपर देख सकते हो कुल्लड़ है यहाँ पे, सामने किचन का सेटअप है और सीटिंग स्पेस भी यहाँ पे काफी अच्छी है, डिसेंट है, एसी वगैरह लगे हुए हैं तो टेम्परेचर भी ठीक है, आप गर्मी में यहाँ पे बैठ सकते हो। तो वैसे हमारे साथ एक यहाँ पे सर जुड़े हैं जो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे यहाँ के आइटम्स। तो सबसे पहले सर का नाम जानते हैं, सर आपका नाम क्या है? ओके, तो आपने क्या क्या ट्राई किया हुआ यहाँ पे? रेगुलर आते हो आप? मेरा जब यहाँ का टूर होता है तो मैं यहाँ पे जरूर आता हूँ चाय पीने। जरूर आते हो, यहाँ की चाय काफी बढ़िया लगती है आपको? हाँ, यहाँ का चाय का जितने भी फ्लेवर्स हैं ऑलमोस्ट सब अच्छे हैं, तो मैं तो मसाला चाय ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और क्या क्या ट्राई किया आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बर्गर ट्राई किया था लास्ट टाइम और सैंडविच ट्राई किया था, कॉर्न सैंडविच। कैसे थे? दोनों अच्छे। तो जो व्यूअर्स आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो? बजट में और बढ़िया खाना यहाँ? बजट में और बढ़िया आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है इनका, ये है पनीर वाला सैंडविच देख सकते हो। अब इनका टेस्ट करके रिव्यू देते हैं आपको कैसा है कैसा नहीं। और आयशना एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। हैं, इतनी एक्साइटेड क्यों होती है तुम? मेरा माइक नीचे है। शाबाश। सो अभी आयशना ट्राई कर रहे हैं यहाँ की केसर वाली चाय, आइए जानते हैं उनसे कि कैसा फ्लेवर और कैसी है। तो आयशना कैसी है? इसका फ्लेवर इतना अच्छा, प्रॉपर केसर का फ्लेवर है, मेरा तो छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा। ओहो, इतनी टेस्टी है। और क्या, इतनी गर्मी में चाय पीने का भी मजा आ रहा है इस टाइम, इतनी टेस्टी चाय। एक कप और आए फिर? और क्या, दो मंगा लो, दो पी लेंगे। तो चाय लवर्स के लिए काफी बढ़िया है यार, केसर का काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है, इसमें बोल रहे हैं। आइए इसका भी टेस्ट करके बताते हैं। ये काफी बढ़िया यार, इसमें टेस्ट आ रहा है ना जो पनीर का, थोड़ा हल्का हल्का स्मोकी फ्लेवर है, सॉसेज वगैरह बहुत बढ़िया है, हल्का हल्का स्पाइसी भी है पर टेस्टी है। तो ये सारी यहाँ पे फूड आइटम जो हम बोल रहे हैं पॉकेट फ्रेंडली है, चाय वगैरह अच्छी मिल जाती है और ये जो है बर्गर सैंडविचेस और भी काफी चीजें यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, वर्थ है यहाँ पे ट्राई करना। सो हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो भी काफी ज्यादा फेमस है और आपने सुना ही होगा इसका नाम जमींदारा ढाबा। ये भी आईआईटी रोड पे ही है, जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे पे, और यहाँ की जो स्पेशलिटी है ना वो यहाँ पे खाना आज भी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया जाता है, सगलों पे और दाल वगैरह काफ़ी टाइम लगा के मतलब खाना बनाया जाता है, तो सुना है कि काफ़ी डिलीशियस होता है। तो आइए अंदर चलते हैं, रिव्यू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं इनके मेन्यू में, एम्बियंस कैसी है, सिटिंग स्पेस कैसी है और टेस्ट कैसा है। आइए आपको अंदर का एम्बियंस दिखाते हैं और मेन्यू दिखाते हैं, सिटिंग स्पेस यहाँ पे काफी ज्यादा है भाई, ये ढाबा बड़ा ज्यादा फेमस है, काफी क्राउडेड भी है ये, काफी मतलब लोगों का काफी फेवरेट, काफी रश है, काफी ज्यादा रश रहता है अंदर, अभी देख सकते हो कितनी क्राउड है, काफी ऑर्डर चल रहा है, हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, आइए बैठते हैं अपनी लोकेशन पे। तो आइए देखते हैं यहाँ का मेन्यू और यहाँ के प्राइजेस वगैरह चेक करते हैं क्या क्या रहते हैं यहाँ पे, क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है। मेन्यू में आपको मेन कोर्सेस में मिल जाएगा और प्राइजेस भी देखो काफी अच्छे हैं इनके, काफी ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास, राइस, ब्लाउज, सैलेड। इनकी खीर बड़ी ज्यादा स्पेशल होती है, वो हम आज उसका रिव्यू जरूर करेंगे, वो काफी टाइम लगा के ये बनाते हैं यहाँ पे। सो हमने ऑर्डर की थी ये जमींदारा ढाबा की डिलक्स थाली जिसका प्राइस है यहाँ पे 250 रुपीज, और ये देख सकते हो आप सामने जो आइटम्स हमें सर्व हुई हैं, एक तो इनकी ये दाल है, ये देख सकते हो इनकी देसी घी वाली दाल है जो हम मेकिंग देखी थी पीछे, और ये काफी टाइम लगा के बनाई जाती है, साथ में इनका ये पनीर रहता है इसमें, और इसमें जो बाकी आइटम थी वो थी इनका दही वाला रायता, ये खीर थी इनकी जो इनकी काफ़ी स्पेशल रहती है, साथ में मिक्स वेज थी, चटनी थी, चावल थे, बटर नान थे और लच्छे वाले परांठे थे। तो गाइस हमारे पास आ चुकी है जमींदारा की फेमस थाली, आइए सबसे पहले इनकी दाल ट्राई करते हैं, और ये देख सकते हो सामने इनके हैं लच्छा परांठा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और घी वगैरह लगा हुआ ऊपर, इन्होंने कस्तूरी मेथी वगैरह लगाई है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, और बाइट लेते हैं इसकी दाल के साथ टेस्ट करते हैं, और सबसे पहले दाल का टेस्ट बताऊंगा आपको, घी देख सकते हो दाल में कितना भरा हुआ है, बाइट आ चुकी है मेरी। बहुत बढ़िया यार, लच्छा परांठा
बहुत बढ़िया बना हुआ दाल में ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है घी का, काफी टेस्टी है। एक दाल का ऐसे भी बाइट लेके बताता हूँ आपको, क्या बात है यार, बिल्कुल इसको बोलते हैं ना मलाई की तरह, मतलब दाल गली हुई है क्योंकि ये सगले में बनाते हैं, तो काफी टेस्ट आ रहा है बढ़िया मसालों का। ज्यादा स्पाइसी नहीं है, माइल्ड माइल्ड है, बट बड़ी ज्यादा डिलीशियस है, मजा आ गया इसको ट्राई करके। अब इनका नान भी ट्राई करते हैं, ये नान देख सकते हो आप, ऊपर तिल वगैरह भी इसमें इन्होंने लगाए हुए हैं, काफी बढ़िया है, प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छी है थाली की। और इसकी एक बाइट लेते हैं, और ये इन्होंने मिक्स वेज दी हुई है देख सकते हो, ये भी काफी बढ़िया है, इसी के साथ टेस्ट करते हैं मिक्स वेज के साथ। ज्यादा मसाले नहीं है, लाइट लाइट मसाले हैं, पर काफी ज्यादा डिलीशियस है, मजा आ रहा है यार, मन कर रहा है खाएं, मतलब काफी अच्छा खाना है, टेस्टी है। साथ में इनकी ये खीर भी काफी फेमस है, पर खीर में मेरे को थोड़ी सी ये ना ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि गाढ़ी होगी, पर थोड़ी पतली पतली खीर है ये, पर कलर वगैरह काफी अच्छा है वो, इसका टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। खीर टेस्टी है यार, काफी टेस्टी है, और मीठा वगैरह ठीक है इसमें, बैलेंस्ड है, बस हल्की थोड़ी पतली है, पर टेस्ट काफी बढ़िया है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जब भी आप मतलब हाईवे पे जा रहे हो ना, IIT वाली साइड या उधमपुर रोड पे, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो और इनका खाना वगैरह ट्राई कर सकते हो, इनका खाना भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आपने ट्राई किया हुआ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में बताना। और इसकी जो लोकेशन है वो पड़ती है जम्मू उधमपुर हाईवे पे, IIT के थोड़े से पास में। चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड लोकेशन की तरफ, जो है स्ट्रीटो कैफ़े। अगर आप कोई ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों मिलता हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो, और साथ में आप हुक्का वगैरह भी ट्राई करना चाहते हो, तो आप इस कैफ़े में विज़िट कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बजट कैफ़े आपके लिए रहेगा। आइए इसका रिव्यू करते हैं, यहाँ का मेन्यू और यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है वो आपको दिखाते हैं। तो अच्छा क्या क्या पहले बताओ जरा। मेन्यू में आपको हुक्का मिल जाएगा यहाँ पे। ओहो, यहाँ हुक्का की प्राइस काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हुक्के के ऑप्शन भी हैं, साथ में यहाँ पे फूड आइटम्स हैं, और वेज नॉन वेज आपको दोनों मिल जाएगा। वेज नॉन वेज दोनों फूड आपको मिल जाएगी यहाँ पे, पास्ता वगैरह है, पिज्जा है, बर्गर्स है, प्राइसेस भी पॉकेट फ्रेंडली है, देख सकते हो 59 से यहाँ पे बर्गर स्टार्ट है, सैंडविच स्टार्ट है 49 से, और क्या चाय वगैरह भी है यहाँ पे, कॉम्बोज भी है जो मेन है, और यहाँ पे देख सकते हो मॉकटेल्स हैं, चाय है, चाय काफी है, हम भी ऑर्डर करते हैं कोई चाय, और कॉम्बोज भी है काफी बजट में। तो यहाँ पे आप आ सकते हो जब भी साइड आओगे IIT वाली साइड, और ट्राई कर सकते हो इनकी चीजें। अंदर की एम्बियंस भी दिखाते हैं आओ। तो यहाँ पे सिटिंग स्पेस अवेलेबल है, अगर आप गर्मी में भी आते हैं, AC वगैरह लगा हुआ है, और ये सिटिंग है, तो यहाँ बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आइए अब यहाँ की फूड मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं कुछ, और उसका रिव्यू देते हैं आपको। सो अभी आयशना यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, इनकी ये चाय है, और ये थी कौन सी चाय थी, ये पान गुलकंद वाली चाय। तो कैसा टेस्ट है इसना इसका? ठीक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, पर अच्छी है चाय। अच्छी है, डिसेंट है। हाँ, डिसेंट। कुल्लड़ में, और साथ में है इनका ये पनीर, स्पाइसी पनीर सैंडविच, तो इसका भी बताते हैं रिव्यू आपको। इसना ये कैसा है? टेस्टी है, तो सैंडविच काफी बढ़िया लगा इसना को, और मैं भी आपको रिव्यू देता हूँ इसका, फिर बताता हूँ। इसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं इनके ये जो हैं स्प्रिंग रोल्स यहाँ के। तो गाइस अभी नेक्स्ट आइटम यहाँ पे आ चुकी है इनके स्प्रिंग रोल, जिनका प्राइस है यहाँ पे 69 रुपीज़, और देख सकते हो आप, सबसे पहले आपको दिखाएं यहाँ पे, तो ये इन्होंने बीच में नूडल्स की फिलिंग की हुई है, और बाहर से हैं क्रंची, और थोड़े मेरे को ज़्यादा ऑयली लग रहे हैं नॉर्मल से, साथ में इनकी ये डिप है, चटनी है, और इन्होंने ये डिप भी दी हुई है, ये बंद है, काफ़ी अच्छा क्रंच है, बाहर से क्रिस्पी है, नूडल्स वगैरह स्टफिंग की है, इनकी जो सॉस है ये भी स्पाइसी है, हल्के हल्के थोड़े ज़्यादा ऑयली लग रहे हैं मेरे को, बाकी टेस्ट बढ़िया है इसका, आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी। यहाँ की सारी फूड आइटम्स बजट में है, जब भी आप IIT के पास आओगे और कोई बजट में अच्छा सा कैफ़े आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप रुक सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। डिलीवरी टाइम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लगा हमें, बाकी आप ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना, और अगर आपने ट्राई किया तो भी बताना कि आपको ये कैफ़े कैसे लगता है। सो बात करें इसकी लोकेशन की, तो जो IIT के पास में ये हाईवे है उसी पे आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा इस प्रकार में, ये है स्ट्रीटो कैफ़े सामने, और टाइमिंग इसकी रहती है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक। तो अपनी फेवरेट फूड लोकेशन हमें कमेंट्स में बताना, और जम्मू कैसे अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहना शिवा सोल ब्लॉग्स को।